भाई साहब यहाँ से जो लेक आगे वो कितना दूर है, 5 किलोमीटर? तो अभी जा सकते हैं हम यहाँ से? मुश्किल है, रात हो जाएगी। ओ भाई, ओ भाई। सो गाइस, अभी हम शमशेर महादेव से निकल चुके हैं और अभी हमें बहुत सारा सफ़र तय करना बाकी रह गया है। सो गाइस, जिसने भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये सेब के बगीचे जो कि हिमाचल में अक्सर देखने को मिलते हैं, हिमाचल को सेब के प्रोडक्शन के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। बर्फ का आनंद लेते हुए यहाँ पे हमारे साथी अभी जलोड़ी जोत यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और बर्फ का आनंद हम पहले ही लेने लगे। ओ भाई साहब, यहाँ देख। ये देखिए यहाँ पे कितना बर्फ है, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई, ओ भाई, मुकेश भाई के पूरे हाल होते हुए। ओए 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 ओए, यहाँ से निकाल, इन कांटों को यहाँ देख, हाथ में देख, यहाँ पीछे देख, पीछे हाथ से भी निकाल। ओ भाई, इतने सारे कांटे गए, इस पेड़ से गए, बर्फ का नजारा लेते हुए। अभी जलोड़ी जोत यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, हाथ गर्म कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब अपने, मैं भी कर लेता हूँ थोड़े से। चलिए चलते हैं। ये जलोरी मंदिर यहाँ पे, जलोरी जोत, ये जलोरी जोत नहीं है बंद। सो गाइज, हम जलोरी पाप पहुंच चुके हैं और शाम के 4 बज रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो माउंटेन में जब भी जाएं हमेशा टाइम के निकलें, और आज हम देखो लेट हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पूरी पिकअप लोड होके जा रही है यहाँ से, टूरिस्ट बंद होगी। ये हम जलोड़ी जोत,
भाई ओपी व्यू। हम जाएंगे इसको ही भाई। टुडे वी आर ऑन खेड़। फुल ऑन खेड़। पारी पे चढ़ना? नहीं पारी पे करना एक्सट्रीम है। मैं थोड़ी आगे जाना चाहोगे कोई? मैं नहीं जाने वाला यहां से आगे। ओ भाई ओ पी बस घुटने तक बर्फ। टोटली पैक्ड। ज्यादा ऊपर ना जाओ। चल चल आ जा महेंद्र। आनंद लेते हो बर्फ का? चलो 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 लेट्स गो। नहीं ऊपर नहीं करना, ये करना कुछ नहीं, बर्फ खा ले। हाँ रोड के हाल भी बहुत ही खराब है, हाथ देख ही सकते हो आप। ओ भाई तो गाइस यार जरूरी जो था कि ना आप आओगे ना कभी लाइफ में, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जरूर आओ यार। इतना सही व्यू, क्या ही मजे हैं यार, फुल ऑन मजे आ रहे हैं जिसे कहते हैं ना लाइफ। मजे तो मोह लेती है वहाँ पे, लोग आनंद लेते हैं। व्यू यार आओ। दिल खुश कर देता यार। बाग बाग ठंडी भी इतनी है ना भाई कसम से। ये बोलना चाहूंगा कि लाइफ में आप भी कभी जरूर यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करो इस जगह को। बहुत सही जगह यार, नजारे भी बहुत सही है। चला के चलते अब और ये अपने लबाड़ लोग पीछे जिन्हें कहते हैं ना ये अपने उस्ताद जी। ये आ जा तो भाई साहब के मन में यहाँ से ऊपर चढ़ने का ख्याल आ रहा है। चलो चलो ले आओ गाड़ी ले आओ। ये देखो गाइस इनके अंदर कुछ पागलपंती नहीं होती है, ये पागलपंती वाले ये देखिए। ओ भाई ओ ले आ ले आ ले आ ओ ले आ परे से। ओ भाई लेट्स गो। ओ भाई और ये हमें अब आगे जाने के लिए रोक दिया गया है। पीने के लिए बनाते पानी इसका। छह चाय बना दो मीठा जरा उस्ताद वाला डाल के। हाँ जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। अंकल क्या बोलते इसको? कैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भट्टी। भट्टी में बन रही है। आपके घर कहाँ है? ग्रेजू की भट्टी। ग्रेजू की भट्टी तो ग्रेज है यहाँ। अच्छा अंग्रेज अंग्रेजों की भट्टी। तब तो किला का नाम, किला नाम रहा। कहाँ का नाम है किला? ये जो किला है ना भाई। कहाँ पे? फोर्ट जो बोलते हैं ना, फोर्ट के लिए जा रहे। अच्छा किला कितने आगे यहाँ से? 3 किलोमीटर। रोड में ही है पैदल? तो अभी यहाँ से जो लेक आगे वो कितना दूर है? 5 किलोमीटर। तो अभी जा सकते हैं हम यहाँ से? मुश्किल है, रात हो जाएगी। टाइम तो अभी 4 बज गए।
एक घंटे तो बाहर लगना, दिन भी सीख जाओ, घंटा डेढ़ लगाना भाई। तो अभी हम यहाँ पे जलोरी जोत लेट पहुँच चुके हैं, तो आगे हम लेक तक नहीं जा पाएंगे। ठंड तो है ना पूरे तरीके से हमारी ले रही है, पूरे ही तरीके से। ये मिल्क पड़ रहा है इसमें अमूल का, तो आपको तो पता ही है अमूल दूध पीता है इंडिया। पहाड़ी है तो ठंड में चाय तो बनती है। तो अभी यहाँ से लेक जो कि 5 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम लेट पहुंच चुके हैं, शाम के 4 बज चुके हैं, तो अभी हम वहां नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी आएंगे तो वहां जरूर जाएंगे। हां, तैयार हमारा बैठा। पिछले साल कितनी बर्फ थी यहां पे? 13 फुट। 13 फुट? हां 13 फुट के। इस बार अभी कल परसों से बंद हो जाएगा। हां तो बड़े सही टाइम पे आए हुए हम यहां, अभी कल परसों के बाद बंद हो जाएगा। ये चाय सबके लिए सर्व हो रही है। लवे लो बोलते हैं चाय। सो गाइस अब हम घर निकल रहे हैं, हम लेट होने के कारण हम सोशल लेक नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो वहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रोड बहुत ही ख़राब है, थोड़ा सा ये लैंडस्लाइड वाला एरिया। सो गाइस यहाँ में पुलिस वालों ने रोका क्योंकि हमने एक बंदा थोड़ा पीछे उतार दिया था, तो इससे उन्हें शक हो गया कि हमारे पास कुछ आपत्तिजनक सामग्री होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने ओवरलोडिंग का चलान बचाने के लिए एक बंदा पीछे उतार दिया, क्योंकि हम ये 5 सीटर है और हमने 6 बंदे डाल के आगे हैं हम इसमें, तो अभी इन्होंने परमिशन दे दी है जाने के लिए, और अब हम निकलते हैं।